नाजरीन आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी, आदाब। नाजरीन, मऊ शहर के मिर्ज़ा हादीपुरा बाईपास रोड वाकर रायल फार्मा पर आर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल आनंद और स्कैन स्पेशलिस्ट डॉक्टर एके राय के ज़रिए तकरीबन 300 मरीज़ों को मुफ्त मेडिकल चेकअप किया गया। इस दौरान कुछ लोगों को मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई तो बहुत सारे लोगों को भारी छूट के साथ दवाएं भी तकसीम की गई। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं आर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल आनंद। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, ये 22 तारीख में हमने एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया था जिसमें कुछ जांचें फ्री थी और कंसल्टेंसी फ्री थी, और जिसमें हमने यूरिक एसिड और BMD की जांचें फ्री करी, जिसमें बोन की जांच थी और खून की जांच थी। कितने लोगों को मेडिकल में देखा गया, मैं उनका चेकअप जो हुआ? करीब 300 लोग आए थे, पेशेंट थे जिनकी जांच हुई और जिनको जिनमें से कुछ पेशेंट को जो ज़रूरतमंद थे उनको फ्री दवाई भी दी गई और बाकी लोगों को कुछ डिस्काउंट पे दवाई दी गई। और कुछ उसमें कई तरह के पेशेंट थे, कुछ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट थे, कुछ सर्वाइकल के पेशेंट थे, कुछ बच्चे भी थे जो CTB के केस थे, जिनको एक दो बच्चों को प्लास्टर भी किया गया और आगे के लिए ट्रीटमेंट प्लान किया गया, बताया गया इसमें क्या करना है। और गठिया के पेशेंट थे, रिमेटॉइड के और ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस के भी काफ़ी सारे, चूँकि क्योंकि BMD जाँच हो रही थी तो काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे निकले। और बाकी स्किन के हमारे जो डॉक्टर हैं MD स्किन डॉक्टर के राय, उन्होंने भी पेशेंट काफ़ी सारे देखे हैं स्किन के, मतलब दोनों लोग मिलाकर 300 के लगभग पेशेंट देखे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जो बीमारी चल रही है उसमें जो अर्थराइटिस से रिलेटेड बीमारियां हैं वो क्या हैं जो इस वक्त ज़्यादा लोगों को दिक्कत करती हैं? इस वक्त अब मौसम चेंज होता है तो जो जिनको खून की गठिया होती है, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं या जो गाउटी अर्थराइटिस या और भी तरह की जो गठिया होती हैं उनके पेशेंट में थोड़ा सा पेन बढ़ना शुरू होता है, तो उनको थोड़ा सा मौसम के हिसाब से अपने आप को देखभाल करना और जैसे खान पान अपना सही रखना और पानी गुनगुना पानी लें, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि अब सीजन चेंज होता है और चूँकि इस समय चिकनगुनिया और डेंगू भी फैल रहा है तो कई बार पेशेंट कंफ्यूज भी हो जाता है कि हमको अर्थराइटिस की वजह से पेन हो रहा है कि ये चिकनगुनिया का, तो ये भी हम लोग उसको क्लिनिकली डायग्नोज करके फिर जैसा होता है उस तरह से जाँच करा के पेशेंट को, अगर उस तरह का पेशेंट है तो उसको मेडिसिन भेजते हैं, नहीं तो खुद ट्रीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।